हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल, दिस इज रोशन शर्मा। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, सेकंड लैंग्वेज तेलुगु इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 10th क्लास स्टूडेंट्स के लिए S7 और एनुअल के लिए अपलोड कर देता हूं। अगर S7 के लिए अच्छी तरह प्रिपेयर होंगे तो यही आपको बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत ही काम आएंगे। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप टिक करेंगे और एक्स्ट्रा भी कुछ क्वेश्चन आते हैं वो मैं अपलोड करूँगा सेकेंड लैंग्वेज तेलुगु के। और टेक्स्ट बुक से फिल वक्त आप अपलोड कर रहा हूँ, फिल वक्त आप लोग इसको डाउनलोड करके याद करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले हम सिलेबस चेक करेंगे। ये सिलेबस है, देखिए आपको भाग्योदयम तक आपको पढ़ना है और नॉन डिटेल में हमसा वरिधि समय स्फूर्ति ये दोनों लेसन्स पढ़ना है। और नॉन डिटेल में से तो क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपको पैराग्राफ राइटिंग आएगा, मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। और नॉन पैराग्राफ भी एक अलग से आएगा, इसके अंदर से नॉन पैराग्राफ आएगा। चलिए हम फर्स्ट लेसन से देखते हैं। फर्स्ट पहले ये बमेरा पोतना का इम्पोर्टेंट, ये आपको याद कर लेना है यहाँ से। ये बमेरा पोतना यहाँ से इम्पोर्टेंट, ये याद कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये एंडन मृगीति एक पोएम है, उसके बाद जलजांता स्पति, अगर ये दो याद कर लेंगे तो आप पोएम आपको कंप्लीट रहेगा। ये पोएम को आपको भावों के साथ आंसर्स के साथ याद करना पड़ेगा। चलिए उसके बाद ये देखिए, ये पोएम है, याद कर लेंगे तो उल्टी पुल्टी पोएम दिएगा आपको, सही करके आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ से आंसर्स आपको पढ़ना है। ये తినడానికి ముందు ఏమేం సిద్ధ చేసుకోవాలి కలిసి తినడంలో, ये आपको ये एक थर्ड वाला ये आपको लेना है। और उसके बाद ये पाठम सारांश है, और यहाँ से आपको दोनों में से कोई एक याद करना है। अगर ये दोनों भी याद करेंगे तो एज इट इज़ रहेगा। एक इसके अंदर से इन्विटेशन है, एक लेटर है, तो लेटर और इन्विटेशन किसी तरह आपको पूछा जाएगा। और ये दोनों याद करेंगे तो कुछ थोड़ा सा बहुत चेंज रहेगा, वो आपको याद कर सकते हो। नेक्स्ट उसके बाद ये जो ग्रामर है ये कम्प्लीटली आपको याद करना है। ये जो ग्रामर मैंने कई बार आपको समझा सका हूँ ये ग्रामर, क्योंकि आपको 20 मार्क्स इजीली दे सकता है। और उसके बाद हम पोडुपु कथलु इस लेसन का सेकंड लेसन का, ये पाकाल यशोदा रेड्डी इंपॉर्टेंट पोएट इंट्रोडक्शन है ये। और उसके बाद हम क्वेश्चंस में आएंगे, तो क्वेश्चंस देखिए यहाँ से फर्स्ट है विडदीयरा ने चिक्कु प्रश्न एक्स्ट्रा प्रश्न। उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये तेलुगु గురించి వచ్చిపోయే ये పొడుపు కథలు, ये भी इंपॉर्टेंट है, एक సొంత మాట का సారాంశ है। और उसके बाद ये दोनों भी आप याद कर सकते हैं, ये याद कर लीजिए। ऑलरेडी लेटर मैंने ठीक करा है फर्स्ट लेसन का, इसका थोड़ा चेंज करना रहता है, वो याद करना है। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं थर्ड लेसन प्रपंच बदलु, और इसके अंदर ये डॉक्टर सी नारायण रेड्डी इंपॉर्टेंट है। तीन पोएट याद कर लेंगे तो आपको एनुअल के लिए भी परफेक्ट हो जाएंगे। इसके अंदर देखिए, यहाँ से आपको याद करने के लिए यहाँ से ये फर्स्ट कष्टपड़ द्वारा ने ये लक्ष्य, ये भी इम्पोर्टेंट आपको है, ये तीन आंसर्स आपको पढ़ना है। उसके बाद ये भी एक है, ये पढ़ना है आपको। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चंस आपको, आपके स्कूल में कोई एक चीफ गेस्ट आए तो उसके लिए क्वेश्चंस बनाना है, ये आपको इम्पोर्टेंट है। इसी तरह ये ग्रामर है, ये ग्रामर तो आपको कम्प्लीटली पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट भाग्योदयम, इस वाले लेसन के इम्पोर्टेंट है। देखिए सबसे पहले ये पैराग्राफ याद कर लीजिए, अणगारिणा ये पूरा कम्प्लीटली ये पैराग्राफ इम्पोर्टेंट है। यहाँ देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड है, उसके बाद ये फोर्थ है, ये लॉन्ग है, ये लॉन्ग तीन मैंने भी टिक कराया है ये। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है, देखिए एक संघ संस्कर्ता का इंटरव्यू, पहले वाले के क्वेश्चन याद करेंगे तो ये भी याद करेंगे। उसके बाद लास्ट में नॉन डिटेल में आपके पास ये दो लेसन्स है, ये कथा विभागम इस वाले लेसन्स में, ये हमसा एवरीदी इसके मैंने पैराग्राफ और इसको कम्प्लीटली, और ये समय स्फूर्ति ये समझ के जाना है इसको, क्योंकि इसके अंदर से आपको पैराग्राफ राइटिंग पूछेगा। और कुछ एक्स्ट्रा होता है तो मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगा। ऑल द बेस्ट।